आज हमारे एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहला सातवें नंबर का आएगा, जो कहीं ना कहीं हमारे को हमसे अलग करता है, वह होता है अहंकार। जिस प्रकार आपको कहा कि कला का प्रदर्शन करने वाला कलाकार अपने आत्मसम्मान और घर पे अतिथि देवो भव मानने वाला, सत्कार करने वाला, आदर सत्कार सत्कार, एक चीज और होती है, वो है अहम का, जहां पर वह अपने अहम का सदा प्रदर्शन करता है। वह अहंकार जो आपको सहज नहीं रहने देता, आपको आपसे अलग करता है, लगता है, और सरल शब्दों में इससे सर्वश्रेष्ठ हूं, यह भावना जिंदा रखता है, वह होता है अहंकार। अपने आप को चेक करें, वी ऑल आर द लिटरेट पीपल्स, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, अहंकार एक्सेस एक हद तक जरूरी भी है, हमारा एक एग्जिस्टेंस का है, ये शरीर दिख रहा है, श्वास दिख रही है, बुद्धि दिख रही है, लेकिन हमारा एक आत्मस्वाभिमान भी जरूरी है। मैं कर सकता हूं, यह मेरा स्वाभिमान है, मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा अभिमान है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, अपने आप को सब लोगों से अलग करना, वो होता है अहंकार। ये स्वभाव का ही है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप उससे अवगत होते रहोगे कि यार मेरे में ये चीज है, मैं से हम, मैं मतलब क्या, मैं ही स्थाई है, बाकी सब माया है, भ्रम है। वह व्यक्ति है साग बगे बेटा है कि मैं स्थाई हूं, बाकी सब भ्रम है, बस मैं ही स्थाई हूं। जब तक आपका मैं हम में नहीं बदलेगा, जब तक अपने मैं को हम में परिवर्तित नहीं करोगे, आपका अहंकार जिंदा रहेगा और वह आपको लोगों से अलग रखेगा। कहने को आपके स्वार्थ से आपसे कोई काम है, कहने को लोग पास में आ जाएंगे, लेकिन वो दिल से नहीं जुड़ेंगे, वो दिमाग से जुड़ेंगे। और हो सकता है आपके ईगो की मसाज भी करें, लेकिन ऑफर सम मसाज ऑफ योर ईगो, बिकॉज दे हैव टू टेक सम योर वर्क, दे हैव टू टेक सम वर्क फ्रॉम यू, बट वेन यूर सीट गॉन, देन यू फील लाइक ए बिग पेशेंट। जब आपका पद वर्दी नहीं रहते ही है, तब आपको कोई नहीं पूछता, इवन घर वाले भी नहीं पूछते, तब उस इंसान को महसूस होता है कि मेरा अहंकार भी स्थायी नहीं है। किसी को अपनी प्रॉपर्टी का अहंकार, किसी को अपने लुक का अहंकार, किसी को अपने गाने का अहंकार, किसी को अपने स्टेटस का अहंकार, बड़ी पोस्ट का हो। मैं नहीं कह सकता कि आप रखो, यस यू कैन, बट टिल सर्टन एक्सटेंट उसको आपके ऊपर हावी मत होने दो। आपका अहंकार, आपका अहम अगर आपसे बड़ा हुआ तो आपका अहंकार होगा। अहंकार के बाय प्रोडक्ट देखना, मैं सिम्टम्स चालू करता हूं है? आपके सामने अहंकारी, हाउ द एंकर, अगर मैंने आपके सामने कोई चीज रखी, ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक वॉच ही रख दी मैंने आपको,
एक वॉच या एक ड्राइंग बना दी, सबसे पहला काम क्या करेगा वो व्यक्ति ने ड्राइंग बड़ी मेहनत से बनाई, ठीक है, हम उसके उत्साह पर पानी डाल देते हैं, अरे इसमें तो उंगली गलत बना दी, इसमें तो इसका मस्तक बड़ा बना दिया। फर्स्ट इफ यू वॉन्ट टू किल योर ईगो, देखो क्या होता है, ये आपका स्वभाव होता है, आपको नहीं मालूम आप सही कर रहे हो, जब तक जो भी कार है उसकी सराहना करने के बाद, यार बेटा अमर बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कॉमेंट, बढ़िया बनाया, वेरी गुड, हो सकता है अमर आपसे खुद ही पूछे कि क्या लगता है, नहीं इसके अंदर एक काम कर सकता है तुझे बुरा ना लगे तो, इसमें हम एक काम कर सकते हैं हम, तो वो आपको एडमिट कर लेगा इमीडिएट कि हम मतलब ये मेरे साथ वाले व्यक्ति है, एक हम काम कर सकते हैं कि इसके अंदर अपन इसकी जो फोटो लगी हुई है ये वाली को अगर ऊपर रख लो तो नीचे की जगह वैक्यूम हो जाएगा, तो नीचे आप लोग चाहें तो इस चीज को ड्रॉप कर सकते हैं। यस, मैं प्रैक्टिकल भाषा में आपसे बात कर रहा हूं कि आपको लग रहा आप अहंकारी नहीं हो, लेकिन दूसरे लोग आपको अहंकारी कभी नहीं लगता मैं अहंकार हूं, एटीट्यूड, ईगोइस्ट, सेल्फ सेंटर, दीज ऑल आर द वर्ड समवेयर ऑल द सेम, बस उनको जिस प्रकार सूर्य को अलग अलग नाम जैसे आ जाता है, रवि भी जाना, इसी प्रकार ईगो के अलग अलग नाम है। जब तक आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होके बात नहीं करोगे, अभी तक जो हुआ सो भूलो, जब तक जो कार्य किया है उसकी आप प्रशंसा नहीं करोगे भले गलत किया हो, जिस प्रकार आपका बच्चा एक ड्राइंग बना के लेके आता है, किसी तारीफ करता हो बच्चे की, अरे वाह, अरे चुन्नू ने ये बनाया, अरे वाह बेटा वाह, अच्छा एक काम करते हैं अपन इसकी जो लाइन है ना इसको ऐसा कर देंगे तो और अच्छा होएगा कि नहीं, हाँ मम्मी, तो विच फीलिंग वी ट्रीट फॉर द चाइल्ड सेम थिंग वी करेक्ट हाउ। देखिए मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं, कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं ना कोई, मैं आप पे जैसे कहते हैं ना आप यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल वर्ड, लेकिन मैं एक रास्ता बता रहा हूं कि हम हमारा ईगो जो प्रदर्शित होता है लोगों को उसके क्या क्या कारण, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं आप ईगोइस्ट, यू आर वेल वेरी इनोसेंट पीपल, आपके अहंकार आपके एटीट्यूड आपके स्वभाव का आकलन कोई और करता है। तो अहंकार मतलब आपके अहम को प्रदर्शित करने वाला कलाकार, कला को प्रदर्शित करने वाला कलाकार, और अपने अहम को प्रदर्शित करने वाला अहंकार, शिल्पकार अपनी मूर्ति को प्रदर्शित करने वाला शिल्पकार, और अपने अहम को प्रदर्शित करने वाला अहंकार। हाउ मेनी आर कन्विंस विद दिस लाइन, जो कार का शब्द आया उद्गम, हाउ मेनी आर कन्विंस, यस, तो ये आपकी झलकती है, और ये चीज कलाकार की कला भी वो दूसरा बताएगा, आपको तो आपकी कलाकृति अच्छी है, आपके जो 6 साल के बच्चे ने बनाई वो उसके हिसाब से बेस्ट है, द बेस्ट क्रिएशन, बट हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल, कितना प्यारा चंदा माओ बनाया यार बेटा, मान गया, तो आधा उसकी ईर्ज्या अप होगी, उसकी एनर्जी अप होगी, अप होने के बाद वहीं पर सेकंड फेज में आएगी, अगर आप बहुत अच्छा बना, अच्छा इसके अंदर पहले अपन एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से हिसाब नहीं चलेगा, नेवर, अपन एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपने मुझको बोला और मुझे लगा अमर ने सही बोला, और अमर ने इस तरीके से बोला, अपन ऐसा भी कर सकते हैं, मैं दूसरा मिनट नहीं लगेगा, मैं अमर का कहा मान लूंगा, अप्लाई कर, तो हम हमारा प्रस्तुतिकरण भले हम ईगो शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए
क्या मैसेज जाता है हमें नहीं। तो यह भी एक जगह जरूरी भी है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, कि जो आपकी आपसे बड़ा हो जाए वो आपका अहम, जो आप ये सोचो कि मैं इन सबसे अलग हूं, जो आपको इस सहज भाव में ना रहने दे। ईगो इज अ डेफिनेशन ऑफ द पर्सन हु वॉन्ट टू स्टेब्लिश हिमसेल्फ और हरसेल्फ मोर बेटर देन देम। हम अच्छे हैं खराब है, वी टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम अस। अगर मैं इगोइस्ट हूं, मेरा स्वभाव में आई एम वेरी हैप्पी हैप्पी, लेकिन अगर वो ईगो मेरे पास रख के मेरे से लोग दूर जा रहे हैं, तो मुझे चिंतन करने का कि ये मेरा ईगो मेरे लिए हितकारी है या नहीं। समाज में हम चलते हैं कोई भी चीज को लेकर, तो मे को तो मार दो, हम करेंगे, हम मिलके करते हैं काम, ये हम ये करते हैं, वो भले करना आपको ही है। हर व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल कोई काम 10 जनों को दिया, बेस्ट लीडर क्या होता है, चलो हम ऐसा करते हैं। क्यों मिश्रा जी, कैसा लगेगा आपको? हाँ सर आप सही, क्योंकि जो निष्क्रिय है वो तो आपके हाँ में हाँ मिला देंगे। जो आपका आईक्यू लेवल है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो तो ऑब्वियसली, लेकिन ये आईक्यू लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल आपके ऊपर हावी ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम में कन्वर्ट कर देते हैं। और हम में करके जब हम ऐसा करें तो कैसा लगेगा, तो एवरीबॉडी फील देयर ओन इन्वॉल्व। और वह करने के बाद हाँ करोगे वो होगा वो ही। स्टिल आई रिमेम्बर एक हमारा वो हुआ करता था प्रशिक्षक, अरे यार क्या बात है यार, 15 मिनट लेट जाता था ना, तू नहीं बोल वो क्या यार चलता है, सब लोगों के ओपिनियन ले लेते हैं। आखिरी में बोलता था ये जो मैंने, कि हम अगर ऐसा सोचे तो कैसा रहेगा। ये चीज उसको मालूम थी, बट उसने फर्स्ट ओपिनियन लेकर सब लोगों की खाली करवा लिया। क्यों मिश्रा जी, कैसा लगता है आपको? क्यों जया, कैसा लगता है बेटा इस बारे में? क्यों अंजू, कैसा लगता है इस बारे में? अच्छा अब बोलो तुम, अच्छा वेरी गुड सजेशन, रियली इंप्लीमेंट होना चाहिए। आपको इसी मतलब है कि मेरे को अप्रिसिएशन मिल जाए और मैं कहूं उसको ठप्पा लग जाए किसी और का, ये कहीं ना कहीं आप चेक करिएगा। और उसके बाद वह बोलता है, इसके अलावा मैं अप्रिशिएट करूंगा पपिया को, अमर को, रिंकू को, दे टुक गिव द वेरी गुड सजेशंस, बट इसके अंदर हम ऐसा करें तो क्या होगा। तो सभी लोग उसकी बात मानते हैं, क्योंकि उसने अपना आई त्याग के वी कन्वर्ट करा। हमेशा ध्यान रखो, इफ यू वॉन्ट टू अर्न फेम, अगर आप यश चाहते हो, प्रसिद्धि चाहते हो, आपके व्यवहार की कोई तारीफ करे, ये भाव है आपके, यू वॉन्ट टू स्टेब्लिश योर सेल्फ, ट्राइंग टू स्टेब्लिश समवन एल्स, अपनी जगह किसी और को स्थापित करने के बिना काम आप अपने आप स्टेब्लिश हो जाओगे। और वह ईगो नहीं रहेगा, वह एक आपका कॉन्ट्रीब्यूशन में आएगा, अरे यार मान गए यार। तो ईगो भी एक प्रदर्शित करना अपने आप को सबसे अलग, यह एक विकार है, हम मानते ही नहीं। मैं पढ़ाई लिखा हूं, मेरे पढ़ाई लिखा घमंड रखो आप, मानता हूं आयु, बट वेन यू आर इन द फील्ड, हो सकता है किसी ना किसी और फील्ड में वो आपसे ज्यादा मास्टर हो, एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कि आप किसी और चीज में मास्टर हो, लेकिन किसी और चीज में वह भले डिसेबल आदमी हो, अंधा आदमी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा मास्टर किसी और चीज में है, ये आप मान के चलो, तभी वी कैन सरेंडर, वी कैन डिजोल्व अवर ईगो। ईगो तो स्वयं कहता है, ईगो ईगो गो, पास में नहीं रखना, किसको दिखाना, क्या रहना है यहाँ पे, क्या कंपनी, आज तक कभी सूर्य ने अपना ईगो दिखाया क्या? देखो मैं निःशुल्क रोशनी देता हूं तुमको, सुबह उठ जाता हूं, तुम्हारे उठने के पहले देता हूं,
प्रकृति से सीखो। हम कहते थे कि संत बिटौ सरितागिरी धरनी, संत बिटौ सरितागिरी धरनी पर हित हेतु इनकी करनी। एक वृक्ष है दूसरों के लिए बना है, नदी सरिता दूसरों के लिए बनी, पर्वत दूसरों के लिए बना, आने पर विपत्ति रोकता है, और संत दूसरों के लिए बना। लेकिन जब संत लोग पर हित की जगह स्वयं हित में आ गए, तो हम जैसे कुछ लोगों को आगे बढ़ना पड़ा कि अपने गृहस्थ के आश्रम के साथ साथ लेकर भी हम लोगों को मैसेज एक ऐसा दें कि उनकी वैल्यू बताओ, कि अपने आप को जो ईगो में एटीट्यूड में अहंकार में रखा है, ये लाइफ नहीं है। 2 दिन भी कोई याद नहीं करेगा मरने के बाद, ऐसा काम क्या याद करो, कर जा किसी और के लिए काम करो। वो डोंट डिस्टर्ब शुरू होते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, खत्म। इवन आई एम सो सरप्राइज, वो शमशान में भी लगा रहते स्वर्गीय शकुंतला देवी के स्मृति में परचेस कर लिया। अरे क्या करना है, किसको दिखाना, तुम उन स्वार्थी लोगों को जो केवल आपसे अपने काम के लिए बैठे। परिवार का ध्यान रखो, कुछ चंद लोगों का ध्यान रखो जो आपसे जुड़े हुए, जो आपको लगे कि रात को 2 बजे फोन लगाऊंगा ये व्यक्ति उठ के आ जाएगा, इन लोगों की रिस्पेक्ट करो यार, ऐसे टाइम। बाकी आपका ईगो कोई काम का नहीं, केवल आपका एक फाल्स सेटिस्फेक्शन है। वो ईगो एटीट्यूड आपको लोगों से अलग करता है, ये आप मान लो। इसी चीज हमको नहीं, हम तो हमारा मैं को हम में बदलेंगे। आज मुझे लग रहा है क्या है, तो मैं आई विल टेक द सजेशन, क्या लगेगा क्या लगेगा उनके, उनको भी लोगों देखो। फिर आप लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, वही तो होती है, ज्यादा तो नहीं बोल गया, एनी बडी गेटिंग। वन ईगोइस पर्सन कैन नॉट बी गुड लीडर। हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, मेरा भी स्वभाव है, मेरे में भी कहीं ईगो होगा जिंदा। हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना, हम नॉलेज की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में, ये सब अस्थिर शरीर है। जिस प्रकार एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात बताता हूं, इससे अच्छी बात बोलेगी जय जी, नोट करना आप। एक मूवी होती है, एक मूवी में शाहरुख खान रोल प्ले करता है हीरो का, विलेन रोल प्ले करता है, अमरीश पुरी विलेन रोल प्ले करता है, खराब का रेप का कर देगा, मर्डर कर देगा, तो इज इट देयर कर्मास, क्या वो उसके कर्मा है, कर्मा बनेंगे, कौन बताए। क्या अमरीश पुरी ने तो उस लड़की, वो तो नाटक था, दृश्य था भाई। अमरीश पुरी विलेन बना क्या, उसका परिवार नहीं था, वो तो एक्ट कर रहा था, कलाकार था, कला की प्रस्तुति कर रहा था। बच्चे लोग डर जाते, अरे बंगो अंकल तो अमरीश अंकल तो विलेन है। माई डियर, ऐसा ही आपके लाइफ में है, पर अपने आप से बात करो। कई बार आपसे जान करके भी किसी का बुरा होता है, मंशागत ना मंशागत बुरा हो जाता है। तो यहां पर कर्मा थोड़ी थोड़ी अलग कर देता हूं मैं, आप मंशागत जो कर रहे हो ना, इंटेंशनली आई वॉन्ट टू गिव द पेन टू भारती, मुझे परेशान करना, तंग करना है, मेरे को अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। भारती क्या की, कि मैं भारती से पढ़ा हूं, That will become my karma. और मेरा अगर अनइंटेंशनली भारती को दिल दुख गया, जिसे मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना समझी भारती की थी, वो मेरा कर्मा नहीं बनेगा। Got it? Always remember, अनइंटेंशनली कर्मा कभी नहीं बनेंगे। भूल भूल, अरे गुरु जी मैं तो भूल, सो भूल होगी हो गई, हम इंसान है। अरे आपसे भूल कराने वाला भी वही बैठा है जो सांस चला रहा है। मेरे माध्यम से अगर अंजू को पीड़ा पोषनी होगी, तो मेरा दिमाग ऐसा कर देगा विषम परिस्थिति में कि अंजू को पीड़ा मिलेगी, भले मेरा इंटेंशन अच्छा हो,
मेरा इंटेंशन मंजू को तकलीफ देना नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी करवा देगा मेरे माध्यम से इनकी समझ में कि उसको बुरा लगेगा, उसको पीड़ा पहुंचेगी, तो वही बोलो वो कर्मा कहलाएगा मेरा। अगर मैंने जान करके किया, अगर मैंने नहीं किया तो पीड़ा की पीड़ा पहुंच गई एनजीओ को, मैं फ्री का फ्री ना। कई लोग बोलते हैं ये हर चीज भगवान के द्वारा हो रही है, तो भगवान क्या गलत भी करवा रहे हैं? नहीं, जानबूझकर की गई कोई गलती आपके रॉन्ग कर्मा में बनेगी। अनजाने में भूलबूझ में अगर किसी को कह दे मैं आ गया, ये गलती हो गया, आप उसे सजग नहीं थे, सजग होते हुए भी, अवेयर होते हुए भी अगर आपने किसी का गलत किया, देट इज योर रॉन्ग कर्म। नाउ गॉट इट? हम ईगो से कर्मा तक आ गए। यस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ इट्स अ क्वेश्चनरी राउंड, बिफोर देन आई वुड लाइक टू से समथिंग मोर। तो ये जो आपका, कल हम सोल के बारे में बात करेंगे। अब सोल का लेफ्टर क्या है? सोल ये 6 नंबर पे सो अहंकार क्यों आया? ये छलनी होकर जो सोल तक पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड योर प्योर कर्मा, जिसको कहते हैं ऑब्जर्व फिल्टर सरेंडर। और मैं तो बोलता हूं ईश्वर ये कहता है, हम रोज स्वाध्याय करते हैं, कहीं का स्वभाव बन जाता है, लेकिन इसकी मसाज करना कि मेरा नेचर बन गया, मैं इसकी मैं यहां पे एग्री नहीं। अगर मुझे मुझे व्यवहार बदलना पड़ेगा, मुझे बदलना पड़ेगा, बदलने का। और गुरुजी अब 60-70 साल की हो गई है, अब क्या इनका स्वभाव बदले, क्या इनका नेचर बदले? नहीं, आज मेरा ब्रदर है बेड पे नीचे, उनको थोड़ा जो आदत है वो 5 चीजें बोलते हैं, अभी तक 10 चीजें बोलते हैं, कोई चीज बोलते हैं मैं रोज टोकता हूं उनको, दादा नहीं ऐसा नहीं, दादा ऐसा नहीं, अरुण भैया नहीं, मैं नहीं आऊंगा, बंद कर दी उनने। फॉर एग्जाम्पल आपसे खुल के बात करता हूँ, वो यूरिनेयर का उनका प्रॉब्लम बिस्तर में था, वो यूरिनेयर बॉटल को लगाए रखते हैं, नहीं हो तो क्या होता, दिमाग से ऑर्डर मिलता तो मेरे को पेशाब आने वाली यूरिन आने वाला, तो वो उसको कंटिन्यू रखता है, धीरे धीरे मैं आदत बनती छोड़वा रहा हूं, पता लगा मैं आने वाला हूं तो बॉटल हटा दू। तो ये स्वभाव को नेचर को बदलना हमारा काम है, पर एक बार में नहीं बदलेगा, कंटिन्यू प्रोसेस लगेगी। दादा कोई आता है मेरे घर में आपसे मिलाने, इसीलिए नहीं आता हूं मैं, आप बॉटल लगा के बैठ रहे थे, अच्छा तू मुझे बोल दिया कर बॉटल, मैं क्या कोई को लेके आऊं तो कैसा लगेगा, अच्छा, अब नहीं लगाऊ, तो वो धीरे धीरे मुक्त, अभी बहुत कम हो गया उनका। अब ये वो बोल दो अरे बुजुर्ग है, मरीज है, नेचर है, ओके। तो अगर कोई आपका अपना है, कोई आपको समझाइश वाली बात बोलता है, उस पर चिढ़ने की बजाय उसको अप्लाई करने की कोशिश, आप में सुधार होगा, मुझमें शायद वो खुशी बहुत ज्यादा होगी, आई विल बी सो हैप्पी कि मैं कहीं एक जो समय देता हूँ थोड़ा बहुत आपको, जो भी ईश्वर दिला रहा हूं। अहंकार के बारे में जाना, कल हम बात करेंगे उस चीज की जो न जाने कितने अविरत वर्षों से हमारे साथ में है, वो सोल की। और कल सोल के बाद हम परसों से हमारा अष्टांग योग का सीरीज चालू कर देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ये योग भी जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपको कराने के, आपका नेचर बॉडी का आलस का है, बुद्धि का अपने वालों का देखने का है, मेमोरी का इलोबरेट करने का, नेगेटिविटी, मन का चंचल रहने का है, इन सब चीजों में आपको उस स्वभाव के, एग्जिस्टेंस के स्वभाव से मुक्ति दिलाने का काम आपका योग करेगा। और योग अष्टांग योग, योग को एक नई परिभाषा करेंगे, आप ये चाहेंगे हर सब्जेक्ट पे मैं जब भी बोलता हूं कुछ नया जरूर शामिल होता है, मैं रट्टेबाज नहीं होता, मेरे को मालूम है कि पहले क्या बोल गया। तो कल सोल को लेकर परसों से हम गुरुवार से हम शुरू करेंगे अष्टांग योग, 1 दिन 2 दिन जो भी होगा योग दे के पहले पहले हम उसको खत्म करेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन, वेलकम। एक अहंकार को मैंने आपको बोला, आपने कितने लोग कन्विंस है या क्लीन चिट देना चाहते हैं या कुछ और समझना चाहते हैं, यार आप पूछो, मेरे को भी तो आराम दो कि मैं बोलता ही रहूंगा।
नीरू बेटा कैसी है तू, तबीयत कैसी तेरी? अंजू जी एंड आभा जी लुकिंग लाइक वो सिस्टर टुगेदर, बहुत टाइम बाद है, तू है ही ऑलरेडी ना। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी। हाँ अनम्यूट करो जय जी। हाँ बोलिए। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल यह है, आपने बताया ईगो क्या है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन, कि ये महसूस करने की क्षमता हो, ये महसूस करने की एबिलिटी हो कि मेरे अंदर ईगो है कि नहीं। अ लॉट ऑफ पीपल डू थिंग्स थिंकिंग कि वो ठीक कर रहे हैं, वो ईगोइस्टिक लेवल से कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर। क्वेश्चन इज ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस कब किस में आएगी या नहीं आएगी, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। तो जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी या मुझ में अवेयरनेस नहीं आएगी कि तब तक मैं अपने में सुधार नहीं ला सकती। और ज्यादातर जब लोग ईगोइस्टिक होते हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो ईगोइस्टिक है। वेरी गुड। लेकिन अब आज हमने बड़े सरल ढंग से, सिंपल तरीके से आपका परिचय आपके ईगो से करवाया और आपका सॉल्यूशन भी मैंने दिया। मैं नहीं माना कि आप एडमिट करो, अरे मेरी सॉरी मैं ईगोइस्ट हूं, आपको मालूम ही नहीं ना। और जो चीज आपको मालूम नहीं है, हाउ यू कैन रेक्टिफाई, कोई दूसरा बताएगा। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप ईगोइस्ट हो, आपका एटीट्यूड आपका नेचर कोई दूसरा आपको प्रतिबंधित करेगा, उसको नहीं मालूम। टिल देन एक बार समझा दिया दूसरे और की कैसे सुनेगा कैसे कौन। कैसे करेगा, कैसे करें हम, ये भी आपको बताया मैं कि अगर आपको लग रहा है कोई चीज में, देखो तीन चीजें होती हैं। एक तो आपको पैसे का शौक, ईगो, मेरे पद का ईगो टेम्परेरी रहता है, सब इसको समझ जाए, या मेरे कोई नॉलेज का ईगो। नॉलेज का ईगो तो आपसे ज्यादा ज्ञानी पढ़े लेकिन आपने अपने नॉलेज से अपने आप को जाना। आपसे मूर्ख इंसान में भी एक आपसे ज्यादा क्वालिटी होगी, इस बात को एडमिट कर लो। आप एक अनपढ़ इंसान होगा, कुछ ना कुछ आपसे अलग लेके बैठा होगा। जब आप उससे बात, मेरा तो नेचर ही साहब, मैं तो वॉक करने जाता हूँ, हरिजन भाई बैठे तो उससे बात करता हूँ, क्या पियोगे, चाय पियोगे, कहाँ परिवार है, कैसा क्या करता हूँ। बाबूजी मैं तो टाइम पे आ जाती हूँ, मेरा दरोगा आए या नहीं आए टाइम, ये लंच पंचुअलिटी फॉर, इससे पंचुअलिटी सीखो, 65 साल की उम्र है इसकी, पर आ जाएगी टाइम पे। बोले एक एक घंटे बाद मेरा दरोगा आता है, मैं चाहूँ तो लेट भी आओ लेकिन मैं तो टाइम पे आ जाती हूँ। लंच पंचुअलिटी हर जगह सीखने को मिली है, सीखने को तैयार तो हो, और जहां आप में लर्निंग सीखने की इच्छा चालू हुई, आपका ईगो वीगो सब डिसेबल हो जाए। मुझे कुछ सीखना है, यह भावना आपके समस्त ईगो एटीट्यूड को खत्म कर दे। मैं सर्वज्ञानी हूं, यह आपका सबसे बड़ा ईगो, बाकी तो हम टेम्परेरी लेकर चल, ठीक है। तो जिंदगी भर कुछ सीखने की इच्छा और कुछ सिखाने की इच्छा, और सिखाने की इच्छा ऐसा नहीं, एक मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, नहीं सिखाने की इच्छा कैसे, चलो अपन देखो, आप भी सही हो, आभा जी बहुत अच्छा बोला आपने, जया जी आप भी सही हो, अरे भारती बहुत अच्छा बोली, वेरी गुड, तुम्हारा सजेशन बहुत अच्छा है, पपिया तुम्हारा भी सजेशन बहुत अच्छा है। लेकिन आप अपने मन की बात, अगर हम ऐसा सोचें इसमें ऐसा करेक्ट करें तो कैसा रहेगा, वो सुधार वाली बात भी उन पर डाल दो, उसमें से भी कई लोग लेंगे ऐसे, इसे मैंने 10 जने चुने, दो एक जने रहेंगे तो वो अपने मामले पार्टी करेंगे, नहीं वो ऐसा ठीक नहीं होगा, नहीं वो ही सही होगा, देन उस केस में आप पोल करा लो। अच्छा आपका क्या कहना है भाई जी, आपका कहना अंजू जी, ऑटोमेटिकली वेन समवन फील अलोन तो ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा, नहीं यही सही है, नहीं सही है, आप पोल करा लो 5 जनों का। अब मंजू तेरा क्या कहना है बेटा, मेरे इनको तेरा क्या कहना है, हीना बेटा क्या करना चाहिए, हाँ नहीं ऐसे ही कर लो, अच्छा तेरा नीरू, अच्छा जया तेरा क्या है, ऐसा कर लो, पपिया पपिया जो बोल रही थी कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, हाँ फिर सब लोग जो कहते कर लो। वो उस वक्त उसको बुरा लगेगा लेकिन बाद में रियलाइज करेंगे,
हमको हम ही सुधारेंगे, कोई दूसरा नहीं आके सुधारने वाला, दूसरा आके प्रवचन दे जाएगा। और जितने हमारे सुधार के बारे में बात हो उतना अच्छा। कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, जिसकी आप बुराई करने बैठ रहे हो ईगो के कारण उसमें भी कई अच्छा ही है, लेकिन हमें केवल उसका ईगो दिखता है, हमें उसका एटीट्यूड दिखता है, उसके पीछे दूसरे अच्छाइयां नहीं दिखती। मेरा सर स्वभाव वो है कि 2% भी किसी में अच्छाई हुई, 98% नेगेटिव हुई, मैं 2% को 5% पे लाने का प्रयास करता हूं। मैं खुद 100% नहीं हूं, अगर 5% भी किसी में अच्छे काम है तो उस 5% को 10% कैसे करूं, 50 को 60 कैसे करूं, 70 कैसे करूं। आई के नॉट इग्नोर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ ए पर्सन। क्लियर? आप भाई जी पूछ के देखिए, बाकी सब मुंडी हिला रहे। कल पूछूंगा क्या होता है, कोई बोल नहीं पाएगा 5 दिन। हाँ मीरा, हाँ हिना, अनम्यूट करो जाए जी, हिना कर दो। गुरु जी प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब ह्यूमन बींग्स का ऐसा होता है कि ईगो होता ही है, ये नेचर में ही होता है। तेरे में ईगो है, डोंट मैं तो ये नहीं कहूंगी कि मेरे में टॉक, डोंट ईगो टॉक अबाउट है, द प्रत्येक पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तुझ में ईगो है? मैं खुद नहीं कह पाती हूँ कि यही मैं कैसे कह पाऊँ। यही यही तो बेटा अपन बात कर रहे हैं कि आपका और ईगो कोई दूसरा बताएगा, बोला तेरा गुरु जी, प्रश्न क्या है? और हमको किसी में मतलब चेंजेस लाना है तो किस तरह से लाएं? जैसे खुद को भी थोड़ा सा ये होता है, अहम होता है कि वो चीज किस तरह से पहली मतलब चेंज बात लाया तो जाए किसी में। आप चेंज लाने की कोशिश जब करो जब आप अपने आप को संपूर्ण मानो। एक गुरु जी थे, एक बच्चा आया उनके पास, बोले साहब ये शक्कर बहुत खाता है। बोले यार बेटा 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद वो लड़का जाता है, बोले आज से इसी पल से तू शक्कर छोड़ दे। उन्होंने कहा कि यार गुरु जी ये चीज तो आप 7 दिन पहले भी बोल सकते थे। बोले यार 7 दिन पहले मैं भी शक्कर खाता था, मेरी वाणी में बल जब तक नहीं आएगा जब तक वो काम मैं नहीं करूंगा। ओके, तो सामान्यतः जो काम ऐसा लग रहा है कोई आपका अपना है, पूरे डोंट ट्राई टू पुट अप ए कारपेट ऑन द ग्लोब। आपको पहले चप्पल पहनना है और आपका कोई अपना है ऐसा लगता है कि आपकी बात मानेगा, तो उसको बोल सकते हैं कि बेटा तू चाहे तो ऐसे भी सोच सकती है चीज, उसका वही जिंदा गुरु रखो जी, उसे। वही चीज, वो मान सामने वाला व्यक्ति माननी चाहिए अपनी बात, ये बात चीज कर, ही। तो बेटा तू क्यों जबरन पीछे पड़ी मनवाने के, तू बोल के मुक्त हो जा। वाई ही अगर तू मुझे पेशेंस, उसके लिए पेशेंस चाहिए गुरु जी, अपने पेशेंट को भी नहीं, तूने पेशेंस नहीं है मुझे और बोल ह्यूमन दिया, बींग्स में तूने पेशेंस तूने नहीं है। तो नहीं, पेशेंट तो पेशेंट तो उसको नहीं है, पेशेंट तुम्हें रखना है। अगर पेशेंट नहीं हाँ तो बोले ही मत ना, उसको सुधार करने की कोशिश ही मत वही करो। वही पेशेंस रखना है, हम नहीं मुझे पेशेंट पेशेंस। मैं बोलता हूँ पेशेंट भी नहीं रखना आपको। आपको तो जब लग रहा भारती की कोई बात गलत है, यार भारती जी मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बात खत्म। अब भारती जी के पीछे पड़ के बोलो भारती जी ऐसा ही करे, कान पकड़ नहीं होता। आपको कोई चीज खराब दिखे आपने बोल दी, यार भारती, और आप भारती के पीछे पड़ोगी तो वो थोड़ी करेगा जब तक उसको रियलाइजेशन सेल्फ नहीं होगा। और एक बार कहने से वो व्यक्ति नहीं मानते हैं, कोई भी चीज हो तो व्यक्ति अरे नहीं मानते, तो अपने को क्या रिपीट 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 करने की नहीं आदत बेटा हो नहीं जाती करनी, नहीं रिपीट, ये तो आपका घर वाले है। मेंबरों में करो आप, वो आपकी भी गलती हो सकती है। आपका बार बार चीज को रिपीट करना भी एक प्रकार का आपका वाक्य दोष है। एक बार बोल दिया नहीं माने तो अपना आत्मस्वाभिमान भी नहीं है, खत्म कर। आप मुझे बोलो चोरी मत करो, मैं चोरी करो, चोरी मत करो 2 बार 3 बार फिर छोड़ दिया, भैया इसके कर्म ये जाने, अपना रिश्ता रखना ही रहता है, ये सेकंड इशू। ओके एनीबॉडी एल्स समझे ना बेटा, अपने आप को पहले अपना जीवन शुद्ध करो, अपना परिवार में हस्बैंड है बच्चे हैं उनको लेके चलो, और उसके बाद अपन को जमाने की लोड मत लो, पहले अपने को करना। जब अपने को लगे कि अपन सब संतुष्ट है तब अपन किसी की, आज की तारीख में
सबसे बुरा लगता है किसी और के जीवन के बारे में बोलना। इवन मेरे लेवल पे आकर भी मैं डरता हूं बोलने के लिए लोगों को कि तेरे में ये माइनस पॉइंट है, वो खट से कलेजे पे ले लेता है। मुझे भी डेकोरेटिव उसमें बोलना पड़ता है। तो बेटा समय पर सब सुधर जाएगा, अपने को सुधार रख, दूसरों को चप्पल पहनाने की बजाय खुद चप्पल पहन के रख, खुद चप्पल पहन के सुरक्षित हो जाए तो अपने परिवार के मेम्बरों को चप्पल पहना, और जब परिवार के मेंबर भी चप्पल पहन के सुरक्षित चलने लगे तब किसी और पे ध्यान लगा। क्लियर? गॉट इट हिना जी? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? नाउ रूपा आई थिंक यू आर अनेबल टू कैप्चर एनी वे। सो टूडे वी डिस्कस अबाउट द ईगो एंड द ईगो विच इज मेक यू अनकंफर्टेबल, अनेबल टू कीप यू इन द ग्रुप, दैट इज ईगो। इज बेटर चेक यूर सेल्फ। पहली बात, लोग मुझसे अलग क्यों होते हैं? मैं हमेशा, इट इज वेरी इजी, बहुत सरलता से मैं किसी को ब्लेम कर सकता हूं, वो तो ऐसा ही है। कभी मैंने ये सोच नहीं सोचा कि मैं अपने आप को तो ब्लेम दूं। इसलिए मैंने आपको 2 सेशन पहले कहा था, हमेशा कोई गलती हो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानो। अगर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना चालू कर दिया, आपके आसपास लोगों की भीड़ लगी रहेगी। बट ये ईगो किल हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर मैं को हम में बदल दिया, हम मिलके करते हैं, तो ईगो का गन हो जाएगा। और आपने मान लिया यार गलती जान करके हुई, और मैं तो बोलता हूँ कई ईगोइस्ट को उनको मालूम ही नहीं रहता है, जैसे आभा जी ने बताया, तो उनको तरह तरह के शब्दों से, अपन अलग अलग प्रकार के शब्दों से ईगो के ऊपर, न जाने कितने बोलने वाले मिलेंगे। हम 15 मिनट याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे, अपने काम कर फिर हमारा ईगो तैयार। इट इज वन प्रोसेस, जैसा कि हिना जी ने बताया, ठीक होगा धीरे धीरे होगा। ओके, आज की तारीख में एक बात ध्यान रखना, जो लोग आपसे दूर है, रिमेंबर वन थिंग, दोज पीपल आर डिसकनेक्टेड विथ यू, द थ्री थिंग्स, वन थिंग सेल्फिशनेस, इफ देयर सेल्फिशनेस इज नॉट मेट आउट, सेकंड जलस, थर्ड योर एटीट्यूड और ईगो। आज की तारीख में किसी को किसी के पैसे की नहीं पड़ी है। आप मुकेश अंबानी हो तो आपके घर के, वे मेरे घर का। आप अगर बुद्धिमानी हो, आप हो, मेरा जितना मेरी बुद्धि से मेरा काम चल जाता है। अगर हमको सबके साथ रहना है, अपने मैं को हम में बदलोगे, अपने अंदर मैं की बात जितनी बार मैं आए चेक करना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अभी तक मेरे को मैं कहने की आदत। मैंने एक सेशन में बोला मैं अभी तक नहीं आ पा रहा, अरे हमने एक सेशन में बात करी थी, मैं इस लेवल पर लाना चाहता हूँ, हमने एक बार सेशन में बैठ के बात करी और बात करते करते हमारे मुंह से निकला। जब जब मैं को हम बदलोगे, इगो गो बहुत दूर जाएगा। यस, गुड। नाउ टाइम फॉर मेडिटेशन। टुडे आवर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली मेंबर कंचन जी फ्रॉम दुबई केम टू माय हाउस। डिवाइन हेली मेंबर्स रागिनी केम टू दिस 3 डेज बिफोर, एंड कंचन केम टुडे माय हाउस अलोंग विद द भारतीज अवर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली। ऑलवेज आई हैव टू गिव द कॉल, भारती भैया लोकल अपने यहाँ कंचन आने वाली है आके मिली, तो आज वो आई, 1-1.5 घंटा बैठी रही, बातचीत करे, वो 6 जनों के साथ आई, सब बात है, अच्छा लगता है कोई आए तो। और आज की तारीख में मेरे को उनसे, मैं यही कहता हूँ कि आई एम अवेलेबल फॉर माई फैमिली एनी टाइम, यू कैन कम, जस्ट गिव मी कॉल बिफोर कमिंग, सिंपल। वो गुरु जी गुरु जी गुरु जी, आप भी चिंता करते हैं, आप बिजी मिले, मैं बिजी नहीं हूँ तुमसे ज्यादा फालतू, आप जस्ट मुझे कॉल करो, मैं उठाऊंगा फोन, और आने का है तो आप, स्वागत है आपका। ठीक है, तो हमारे परिवार, आज हमारी भारती के पुत्र महीप की एनिवर्सरी भी है, तो उसके लिए भी हमारा परिवार विशेष करता है,
और पुत्र रत्न की प्राप्ति जैसे आपको मालूम है हुई है, दादी बनी है, तो ऑल प्रे, क्योंकि हमारा परिवार है, परिवार अब इतना मजबूत बन गया, ये परिवार चाहे तो 1,000 लोग इकट्ठे कर ला, लेकिन ज्यादा भीड़ नहीं बनानी हमको, तो पहले 16 जनों को 16 हीरे बनना है, 17 हीरे बनना है, ठीक है। वो हीरे तो आप ऑलरेडी हो, थोड़ी खराश ऊपर से वो करना, ठीक है। संतोष जी, अविनाश जी कैसे हैं, कहाँ हैं, हाउस अविनाश जी, गुड, जय जी, अनमोल कर अभी, Nice. He's okay, all right. He's fine. वेरी गुड। Thank you. Thank you.